जय माता दी। दोस्तों, आज बात करेंगे बट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, इस साल 2024 में बट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। बट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी कह सकते हैं, वो भी है। बट सावित्री व्रत पर सुहागने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। बट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर बट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं बट सावित्री व्रत का महत्व और पूजन विधि। तो दोस्तों, इस साल बट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। बट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या बट पूर्णिमा भी कहा जाता है। बट सावित्री के दिन सुहागने अपनी पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए कामना भी करती हैं। बट सावित्री पर बट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। बट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है, इसे शनि जयंती भी कहा जाता है, जैसा कि पहले भी बताया है मैंने। ऐसे में बट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनि देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं बट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। इस कारण बट सावित्री व्रत जो है ना, वो 6 जून को मनाया जाएगा। अब अमृतकाल समय के बारे में बात करते हैं, तो वो है 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक रहेगा। पूजन का शुभ मुहूर्त 6 जून सुबह 8:56 से लेकर 10:37 तक रहेगा। पितरों का तर्पण करने के लिए दोपहर 12:45 से 1:45 तक रहेगा। बट सावित्री व्रत का महत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर बट वृक्ष की पूजा करने के साथ व्रत सावित्री का जो कथा होती है उसको भी सुनती हैं। अब बात करते हैं बट सावित्री व्रत के पूजन की विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है, उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। बट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद बट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद बट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर बट सावित्री की कथा सुनें या पढ़ें।